everyone, welcome back to my channel Shilpa Shail. I'm Shailana. And first of all, I'm going to say you happy Janmashtami to all of you. Janmashtami ki bahut 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 shubhkamnaen aap sabko. Aaj Krishan ji ka janm divas hai aur aaj main janm divas mana bhi rahi unka. Thoda sa jaise aage manati waise nahi mana rahi kyunki mere bade bhaiya ki death hui hai. So ab main वैसे तो नहीं मना रही लेकिन मना ज़रूर रही हूँ क्योंकि ये पर्व बहुत ही बड़ा पर्व होता है और मेरे लिए भी बड़ा है क्योंकि मैं यहाँ पर निर्जल व्रत रखती हूँ आज के दिन और वो तो मैं छोड़ नहीं सकती अब और अगर व्रत रख रही हूँ तो पूजा भी करूँगी और ये देखिए मैंने अपना मंदिर सजाया हुआ है गाइज़ ये है मेरे लड्डू गोपाल जी और सुबह मैंने इनको रेडी किया है मैंने नहीं मेरी बेटी ने इन्हें रेडी किया है ज़्यादातर सुबह वही रेडी करती है और आज भी वही रेडी करके गई है इनकी जो वस्त्र थे वो मैंने कल बाय किए हैं मैं कल की भी आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाती हूँ अभी और ये था कल का एक थोड़ा सा वीडियो और कल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रौनक थी बहुत मज़ा आया कल जाने में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बाय की एक तो ये वाले वस्त्र हैं जो मैंने बाय किए एक शाम के जो वस्त्र हैं जो शाम को पहनाने हैं वो बाय किए थे वो भी मैं आपको शाम थोड़ी देर में दिखाती हूँ जब मैं चेंज करूँगी तब दिखाऊँगी अभी शाम को इन्हें दोबारा से नहलाना धुलाना है पंचमृत से स्नान कराएंगे उसके बाद इन्हें झूले में बिठाएंगे मैंने कल एक नया झूला भी बाय किया इनके लिए और हम लोगों ने हमारे घर के बड़ों ने ये फैसला लिया था कि हम लोग ये त्यौहार मनाएंगे ज़रूर चाहे छोटी स्केल पे मनाएं लेकिन करेंगे ज़रूर सो अब लड्डू गोपाल जी पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सुबह मेरी बेटी ने इनको कैसे रेडी किया इसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत आज की अपनी रूटीन दिखा दूंगी कि आज मैं क्या कर रही थी सारा दिन ये शहद और ये तुलसी के पत्ते और मैं इसमें बाकी पंचामृत बनाने जा रही हूँ तो ये है हमारी मटकी और इसमें माखन डालने के बजाय टॉफीज डालने लगे हैं ओके तो ये हमारे कान्हा जी छोटे से कान्हा जी हमने बड़े लिए कि मंदिर में जगह छोटी थी तो हम ऊपर लगाने वाले हैं पंचामृत में क्या क्या है इसमें ये दही ये है शहद ओके ये है तुलसी के पत्ते ये दूध और ये गंगा जल ओके और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हाँ जी ये हमारे लड्डू गोपाल जी और आज लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है
हाँ बर्थडे है। मिंदा आप क्या कर रहे हो? अब मैं गंगा जल डाल रही हूँ, खत्म भी हो गया बोलते हो। इवान आप क्या कर रहे हो? मैं भजन सुन रहा हूँ। भजन सुन रहे हो? और नए वाले भजन आया। अच्छा मजा आ रहा है? हाँ सुन के मजा आ रहा है। और ये वहाँ मिंदा क्या बनी हुई है? एकदम चुड़ैल बनी हुई है। कृष्णा जी की राधा रानी। हाँ, मैं बोल भी तो सही। हाँ, मैं कृष्णा जी का गोला। हाँ, मैं कृष्णा जी का भाई बनाओ। हम वस्त्र कौन पहनाएगा आज कृष्णा जी को? मैं पहनाऊंगी। इसकी मम्मी। तो अभी हम कृष्णा जी को वस्त्र पहनाएंगे। वाओ कितने सुंदर है ये। ये तो उल्टी बना दी। सीधी है। ओ अब क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल मुकुट पहनाने लगी हूँ उनका। ओके मुझे इनके बाल नहीं मिल रहे कहीं पे भी। वाओ कितना सुंदर बेड है। वाओ ये तो सोने वाला बेड है। तो अभी हम कृष्णा जी को जो हमेशा बाल पहनते हैं वही पहनाने पड़ेंगे अब हमारे को, क्योंकि इतनी देर हो जाएगी फिर। तो चलते हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कृष्णा जी। ये तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उल्टा इनका झूला बहुत सुंदर लग रहा है। अभी हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मुरली कृष्णा। हरे कृष्णा। तब हम लगा रहे हैं झूले पे, क्या लगा रहे हैं हम? डोरी। हमारे को डोरी नहीं मिल रही तो इसलिए हम ये माला ले लगा। कृष्णा जी की बड़ी वाली माला लगा दी। हमारे को मिली नहीं डोरी जी, बड़ी माला। वाह ठीक है ना लंबी। वाह कितनी सुंदर लग रहे हैं। ये गद्दी हमारी बहुत बड़ी आ गई है। मोटी भी बहुत आई है। वाह व्हाट आइडिया। बैठ भी जाएंगे कृष्णा जी अब तो, और तो उनको और मोटा लगेगा। जंपिंग करेंगे कृष्णा जी हमारे, है ना? कंफर्टेबल सीट मिल जाएगी उनको। तो जंपिंग करेंगे इस बेड के ऊपर अपने। उनकी छोटी सी लिटिल बिट छोटी सी है एक चद्दर। ये बेड वाला है ना गद्दा, बेड वाला है तो उस वजह से चद्दर भी साथ में मिली है हमारे को। तो ये रहा हमारा झूला, उसके ऊपर कृष्णा जी बैठेंगे और सो भी जाएंगे अगर उनका मन करे तो। वाव कितने सुंदर लग रहे हैं कृष्णा जी। पिछली बारी हमारी जन्माष्टमी पे नेटवर्क चला गया था, उस वजह से हम भजन नहीं लगा पाए, है ना अम्मा? थोड़ी सी टॉपिस लेके आ और यहाँ पे आके रख। तो क्या लेके आई है? एक केला लाने को बोला था। वेरी गुड, शाबाश। थोड़े से केले तो लेके आओ। हाँ सारे के सारे केले ले आ, प्रसाद रखना ना, सारे केले ले आ। और तू भी टॉफी इधर रख। टॉफी खुली हुई है, ये गंदी है पीछे से, ये वो काला है। तो रहने देना, एक तो काली चीज इस लड़के को पता नहीं क्यों नहीं पसंद है।
बता दूं? क्यों? क्योंकि मैं इतना गोरा चिट्टा हूँ, अगर काली चीज खाऊंगा तो फिर पूरा ही काला हो जाऊंगा, इसलिए। हाँ, वेरी गुड। इस लड़के को काली चीज खानी सिर्फ इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ये गोरा है और काला हो जाएगा, इसको वहम है इस चीज का। ये देखो सेवा हो रही है, सेवा हो रही है ना, सेवा हो रही है। हाय हाय, फिर से बोली, इधर आई, इधर आ, फिर से बोली। वो सेवा हो रही है, भगवान भगवान जी की सेवा हो रही है। ये दादी पोती लगे हमें सजाने के लिए, दादी को तो आने दे, बीच में हर जगह तो ही आ जाती है। हेलो दादी जी, फ्रेंड्स को हाय बोलिए, हाय बोलिए फ्रेंड्स को। ये चिप्स ढंग से टॉफी रखो और फिर प्रसाद मिलेगा, वरना प्रसाद नहीं मिलेगा। वाओ गाइस, अभी फूल आने बाकी हैं, फूल अभी तक आए नहीं है, मैंने आज गलती से मंगवाए नहीं फूल अभी तक, तो वो आ जाएंगे, तो फ्यूली से फूलों से भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे और शाम को हम अच्छे से इसे सेलिब्रेट करेंगे, फिर मज़ा आएगा, थोड़े से भजन लगेंगे। गाइस ये मटकी जिसके हम माखन रखने के बजाय टॉफियाँ रख रहे हैं और ऊपर रुई रख देंगे, पर रुई रख देंगे। ध्यान से पहली बार और दियो टॉफीज। ये मटकी मैं पहली बार लेके आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी ये, और कल मैंने चूज किया जहाँ से ड्रेस भी थी, सेम ड्रेस पड़ी थी वहाँ से मैंने देख के लेके। तो गाइस ये मैं हूँ, ये मेरे पीछे कान्हा जी है और ये हमारी, और ये हमारी पूजा हो रही है, वो 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 पूजा हो रही है, वो 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 पूजा हो रही है, वो वो वो। कान्हा जी को कुछ खिला भी तो दो, खाली पेट बिठा दिया उनको। अभी कृष्णा जी टॉफी खाएंगे, सेब खाएंगे, और कृष्णा जी का प्रसाद कौन बनाएगा? और मम्मी श्री, मम्मा श्री। चलो दादी आ गए, अब कमान अब दादी ने संभाल ली है। यस, अब दादी सजाएंगे इसे अच्छी तरह से। उन्होंने तो मुकुट हिल गया, अगे आगे ना थोड़े जो मुकुट हिल गया, थल्ले चली गद्दी ना थोड़ी जी उच्ची गई है। तो आप क्या कर रहे हो अभी? ये मैं ये आर्टिफिशियल बटर बना रही हूँ कि बटर इतनी देर तक इसमें टिकेगा नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है दिल्ली में, तो ये आर्टिफिशियल बटर बना के इसके ऊपर लगा रही हूँ। ओके, ऐसे लग रहा है असली मक्खन आ रहा है। और इसकी वो कहाँ है? ये है डंडी, इसे हम ऐसे ठक करेंगे, ये जो बटर है ना नीचे गिरेगा, टॉफी सब बाहर निकल जाएंगी सारी। हाँ, टॉफी बाहर आ जाएंगी, मतलब की चीज अंदर रखी है। यस, चॉकलेट भी रख लेते फिर, या आइडिया अच्छा लग रही है ना। बड़ी सोनी लगती भी है, सोनी लगती भी है। ओके, मेनू भी खा दो, देख दे लेती और किवे रखेंगी। और मेरे को मिसे भी तो मिलवाओ, मिसे भी मेरे को। हाय, करी करी थोड़ी सी, एंड मिसे भी मिलवाओ, मिसे हाय। अच्छा इधर आ, इधर तू भी आ जा, और क्या करने के लिए आना? देखो ये आए, सब स्टाइल्स। मैं हूँ, ये मेरे कन्हैया जी हैं, और यहाँ पानी हो रही है और यहाँ पूजा हो रही है, वो पूजा हो रही है। गिद्दा पांदा पे मुंडा, वो बांसुरी, अब बांसुरी लगाना हम भूल गए। ओए मैंने याद दिलाया बांसुरी लगाएंगे। इस बार ना हमें गद्दी थोड़ी सी बड़ी मिली है, और गद्दी बड़ी मिलने की वजह से वो ना थोड़े से ऊपर हो गए हैं, और ऊपर होने की वजह से वो बार बार सामने आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। पीछे वो थोड़े से, हाँ चलो। उधर वो आई नहीं रही बेचारी बीच में। हाय 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 हाय, लग गई, ज्यादा लग गई। ओहो, युवान को चोट लग गई। हाय ठुमका रानी। गाइस कोई फोटो खराब करनी हो इसको ले आओ बीच में। Hello
गाइस मैंने प्रसाद तो बना लिया, लेकिन मेरा अभी तक वाइट बटर नहीं निकला है क्योंकि मलाई मेरी अभी तक जमी नहीं है। सो जैसे ही वो जमती है तो मैं वाइट बटर भी निकाल लेती हूँ और फिर रात को हम भोग लगाएंगे और फिर हम खाना खाएंगे, प्रसाद खाएंगे। और अभी मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, भूख नहीं लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, सर्वाइकल शुरू हो गई है मेरी, दर्द हो रही है मेरे को, नेक में दर्द हो रही है, हाथ में दर्द हो रही है, बट ठीक है, इतना तो चलता ही है व्रत है तो। और अभी तक ठीक है, भूख नहीं लगी है अभी तक मेरे को, लेकिन देखो रात के 12 बजे तक क्या होता है। अभी तो आई थिंक कितने बजे नंदा, टाइम क्या हुआ है, 7:44, 8 बज गए हैं, तो 8 बज गए हैं तो 12 बजने में 4 घंटे हैं, 4 घंटे आराम से निकल जाएंगे, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। सो मिलती हूँ मैं आपसे फिर रात को 12 बजे तक, और इससे पहले मैं जाऊँगी मंदिर, तो अगर हो सके तो मैं आपको मंदिर के भी दर्शन कराऊँगी। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा लाल की, जय कन्हैया लाल की, लाल की, हाथी घोड़ा लाल की, जय कन्हैया लाल की, बिहारी लाल की जय। युवा चल जा, चलो शुरू करो। चलो अब उल्टा मक्खन पकड़ो, ये देखो गाइस मक्खन। और भी है। सो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 12:15, 15 मिनट है, 12 बजने में 15 मिनट है अभी भी मेरा व्रत खुलने में, और मैं ज़्यादा टायर्ड नहीं हूँ अभी भी स्टिल। और आज का मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि जो लोग निर्जल व्रत रखते हैं उनको कैसा लगता है, या उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो व्रत रख सकें अच्छे से। पहले तो रात के 12 बजे से पहले आप कुछ सॉलिड ऐसा खा लीजिए, जैसा कि हो गया पराठा हो गया, या फिर अनार हो गया, थोड़े से बादाम हो गए, ऐसे की चीज़ें कुछ खा लें, एक आधी चीज़ भी चलेगी। जैसे मैंने रात को पराठा खाया था, मैं पराठा खा के सो गई थी, तो खा लीजिए। और सुबह का आधा टाइम तो हमें 12 घंटे तो कहाँ निकलेंगे पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद जब दोपहर का खाना खाने का टाइम होता है उस टाइम पे थोड़ा सा कुछ होता है, उसके बाद भी ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल। और मुझे अभी तक सिर्फ हल्की फुल्की सी टायर्डनेस फील हो रही है, और जैसे कि इस टाइम पर इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो हल्की सी टायर्डनेस उस वजह से भी फील हो रही है, घबराहट हो रही है, बस प्यास नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मेरा चेहरा भी, मेरे चेहरे से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा मेरे को। सो पूरा दिन तो बड़े आराम से इजीली निकल जाता है। जैसे सुबह का टाइम होता है हम हाउसवाइफ्स के लिए या फिर वर्किंग लेडीज़ के लिए, सुबह का टाइम तो काम करने में निकल जाता है। उसके बाद शाम का टाइम आता है तो वो पूजा आरती और पूजा की तैयारियाँ, जैसे लड्डू गोपाल जी को सजाना और इनके सारे काम, ये देखिए लग रही है ना क्यूट से, इनके सारे कामों में निकल जाता है। और शाम का टाइम भी नहीं पता चलता, जो टाइम पता चलता है कि जिसमें ये होता है कि नहीं यार अब कुछ हो रहा है, अब टायर्डनेस फील हो रही है, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा, वो होता है 11 और 12 बजे का टाइम। और उस टाइम पर बेटर है कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपको भी मज़ा आए और आपका टाइम भी आराम से निकल जाए। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं ज़्यादातर अब जैसे कोरोना का टाइम है, तो कोरोना के टाइम पर हमारे एरिया में मटकी नहीं फोड़ते हैं, वैसे हमारे एरिया में 8 बजे के बाद ही मटकी फोड़ना शुरू हो जाता था और 12 बजे तक मटकी फूटती थी, तो 12:30 भी बज जाते थे और मुझे पता ही नहीं चलता था कहाँ गया। लेकिन इस बार जैसे मटकी नहीं फोड़ी कोरोना की वजह से, 2 साल से मटकी नहीं फोड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि नहीं यार 11 बज गए हैं, अब कुछ हो रहा है, अब कुछ हो रहा है, तो बेटर है कोई सीरीज़ देख लो, आपको भजन अच्छा लगता है वो सुन लो,
ईयरफोन्स हेडफोन्स इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करूँ, क्योंकि ये हेडेक देते हैं। जिनको सर्वाइकल है उनको सर्वाइकल ज़्यादा शुरू हो जाती है, और जिनको हेडेक होती है उनको हेडेक, माइग्रेन है, वो लोग हेडफोन्स और एयरपॉड्स इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें आज के दिन, अगर आपने नेचुरल व्रत रखा है तो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सर्वाइकल है तो मुझे जल्दी हेडेक शुरू हो जाता है, मेरे आधे सर में जल्दी दर्द शुरू हो जाता है, तो मैं हेडफोन्स बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, ऊँची आवाज़ में कुछ नहीं सुनती हूँ आज के दिन, भजन सुनती हूँ वो भी लो वॉल्यूम पर सुनती हूँ, मीठी मीठी आवाज़ में सुनती हूँ, मज़ा आ रहा होता है। बस ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। और अब भी मैं अभी इनको भोग लगाऊंगी, मैं जस्ट 10 मिनट और रह गए हैं, 10 मिनट का वेट करूंगी, फिर इनकी आरती तो मैंने पहले ही कर दी थी, अब इनका प्रसाद बनाया है, प्रसाद का भोग लगाऊंगी और उसके बाद वही भोग सबसे पहले खुद खाऊंगी। उसके बाद बेटर है जब आप लास्ट में खाना खाने लगते हैं ना, तो जो आपने भोग जो मैंने अभी बना के भी दिखाया था आपको, जिसमें मैंने क्या डाला था, 1 चम्मच देसी घी, उसके बाद उसमें सूखा धनिया पाउडर, आई जस्ट बाय ऑफ 10 रुपीज़, 10 रुपये का मैंने बाय किया था, क्योंकि मैं अकेली ही खाती हूँ उसको, तो दैट इज़ इनफ फॉर मी। तो उसको हल्का सा भून लें, जब उसमें मीठी मीठी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए ना, तब उसमें आपको एप्पल डालना है और एक बनाना डालना है, ये दोनों चीज़ें डाल लें। और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद उसके बाद आपको उसमें थोड़ी सी चीनी डाल देनी है, और ये प्रसाद जो है वो लड्डू गोपाल जी को बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद जो उनको पसंद है वो है माखन और मिश्री, घर का निकला हुआ माखन और उसमें मिश्री डालकर वो खाते हैं। और अगर इसके बाद जैसे एकदम से जब हम खोलते हैं ना व्रत खोलते हैं, तो उसके बाद हमें होता है कि नहीं कुछ पहले पी लें, तो पानी ना पिएं, अवॉइड करें, पानी की जगह पे आप लिमका ले सकते हो या नींबू पानी ले सकते हो, दैट विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू। उस टाइम पर आप ये चीज़ें लें वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, और सिप सिप करके पिएं, एकदम से ना पिएं। वो क्या होता है कि जो पूरा दिन का हमने खाया नहीं है पिया नहीं है, तो एकदम से जब हम खाएंगे ना तो गैस बन जाती है, तो वो चीज़ दिक्कत करती है, तो वो नहीं करने, अवॉइड करनी है। उसके लिए फ्रूट लें रात को, मैं रात को ज़्यादातर फ्रूट खा के सोती हूँ, एप्पल हो गया, पेयर हो गया, बनाना हो गया, या फिर आइसक्रीम कोई ना कोई खा लेती हूँ, आइसक्रीम भी अच्छी रहती है। और खाना ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ, खाना मैं अगले दिन भी स्पाइसी फूड को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, नहीं खाती हूँ, कोशिश करती हूँ लाइट से लाइट खाना ही खाऊँ ताकि मेरी तबीयत ठीक रहे। और जिन लोगों को ऐसे लगता है कि अगले दिन तबीयत ख़राब हो गया है, तो जस्ट टेक ए क्रोसिन और टेक ए डोलो और चल मारो, ठीक हो जाएगी अगले दिन, कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला बैठा है सब देखने के लिए। सो अब मैं ये देखिए मेरे पास बनानास पड़े हैं और एप्पल मेरे अंदर पड़े हैं, फ्रिज में पड़े हुए हैं, मेरे पास पेयर पड़ा हुआ है, मेरे पास अनार पड़ा हुआ है और मेरे पास प्रसाद पड़ा हुआ है, लिमका पड़ी हुई है, लिमका में नमक डाल के पी सकते हो, बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी सी जो आप कर सकते हो निर्जल व्रत में, और व्रत रखना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, मुझे ये व्रत रखना बहुत बहुत अच्छा लगता है। इस व्रत से पहले मैं अपनी थोड़ी सी केयर कर लेती हूँ, थोड़ा सा पैम्पर कर लेती हूँ अपने आप को, अपनी बॉडी को पैम्पर कर लेती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद व्रत रखने के लिए रेडी हो जाती हूँ। और उसके बाद आई फील रियली वेरी एक्साइटेड। एक दिन पहले तक तो मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि यार कल व्रत है, कल व्रत है, कल व्रत करना है, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और सही मायने में मेरा पूरा का पूरा टाइम मज़े करने में निकल जाता है। सो गाइस, अगर आप लोग को व्रत रखना है तो आराम से रखिए, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, और कृष्ण जी तो हमारे साथ हैं ही, वो तो आराम से रखने भी देंगे। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अब भोग लगाने लगी हूँ। तो अभी आप क्या कर रहे हो? क्या बनाया है आपने? ये धनिया का प्रसाद बनाया मैंने और इसका मैं भोग लगा रही हूँ, और लड्डू गोपाल जी को इनका भोग लगता है रात को 12 बजे। ओके, और आप ये खाओगे? और मैं अभी इसी को खाऊंगी और उसके साथ लिमका लूंगी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। और इसके साथ ही मैं इस ब्लॉग का दी एंड करती हूँ अभी। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। प्लीज मत भूलें। नमस्ते। जन्माष्टमी है, उस वजह से मत भूलें। जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं आप सबको।